तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 10 में रॉनी जो ट्रेनिंग सीरीज चल रही है उसका। इतना प्यार देने के लिए सभी का थैंक यू। और एक लास्ट वीडियो में कमेंट किया था रोहिणी अवध जी ने कि स्टे की ट्रेनिंग सिखाई है, तो मैं आज स्टे की ट्रेनिंग सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आप भी ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हो जो आपको जरूरत है, तो मैं उनके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा यहाँ पे और कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें अच्छे से बताऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप डे 10 तक आ चुके हो तो आप इतना सिखा चुके हो, जो चीज़ें मैं इसमें दिखा रहा हूँ तो पहले से आप ऑलरेडी सिखा चुके हो। जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। गुड बॉय रॉनी। तो रॉनी पहले देखा और अब में इसकी बॉडी लैंग्वेज में कितना अंतर है। पहले कितना एक्साइटेड था, धीरे धीरे ये डिसिप्लिन होता चला जा रहा है। तो डिसिप्लिन में इसको लाने के लिए यही सीरीज है कि आपके पास भी अगर इस तरीके का लैब्राडोर है जो थोड़ा शैतान है तो कैसे इसको डिसिप्लिन डॉग या मैनर डॉग बनाएं, बस यही हमारी एक सीरीज़ है पूरी। तो इसमें जो जो चीज़ें कमांड या जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैं सिखा रहा हूँ हर वीडियो में अलग अलग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉनी बॉय लुक एट दिस, पहले अटेंशन नहीं देता था, तुरंत बोलो तो अटेंशन देने लगता है। गुड बॉय रॉनी, स्टॉप सिट। रॉनी लुक एट दिस, गुड बॉय सिट, वेरी गुड, स्टे, वेट। अभी स्टे एक नया वर्ड है, जब भी अगर आप बोलना स्टार्ट कर रहे हो स्टार्टिंग में तो स्टे का मतलब है कि जैसे इसको जहाँ बैठा दिया वहाँ बैठा रहे। कोई पोजीशन हो सकती है, डाउन पोजीशन हो सकती है, स्लीप हो सकती है, जिस पोजीशन में सिट पोजीशन में स्टे करा सकते हो। तो आप इसको बैठा के दूर चले जाओ और डॉग वहीं बैठा रहे तो उसका वो होता है स्टे, सिट। अभी हम लीश के अंदर बांध के ही सिखाएंगे, स्टार्टिंग में लीश डाल रखी है हमने। स्टे बॉय, पुराने में मैंने सिखा रखा है शेक हैंड, नेक्स्ट, गुड। तो दोनों हाथों से कर रहा है, स्पीक, सिट बॉय, नो, सिट, स्पीक, ये भी परफेक्ट हो चुका है, स्पीक, गुड बॉय। तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में ट्रीट करना है हर बार। और आप स्टार्ट करना है अगर आपको स्टे सिखाने के लिए, सबसे पहले बैठा दिया आपने डॉग को, ये पोजीशन इजी होती है, स्टे बोला, एक दो कदम पीछे लिए, गुड बॉय, शाबाश, और पास आ गए इस तरीके से, गुड बॉय, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में स्टे उसके दिमाग में बैठाना है, जरूर नहीं एक बार भी परफेक्ट करने लगे आप दूर चले जाओ ना हिले, स्टार्टिंग से ऐसा नहीं होता है, आदत डालनी होगी उसकी। स्टे स्टे स्टे, नो 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 नो, स्टे, नो 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 बॉय, लुक एट दिस, गुड बॉय। अब जगह चेंज करके फिर बैठाना है, कम हियर, स्टॉप, सिट। आपका डॉग हो सकता है स्टार्टिंग में एक दो कदम भी आपको पीछे ना जाने दे, तुरंत उठ जाए, स्टे स्टे, ध्यान रखना थोड़ा सा, स्टे, नो 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 नो, स्टे, तुरंत उसको टोकना है, बताना है कि नहीं, जैसे हिले मूव करे नो बोलना है, क्योंकि नो हम पहले दिन से ही इसको बोल रहे हैं तो उसको दिमाग में समझ में आने लगा है कि नो क्या होता है, कि नहीं करना है। गुड बॉय, गेट अप, शाबाश, कम हियर, स्टॉप, सिट, गुड बॉय, स्टे। उसको बताओ बार बार कि हम स्टे बोलते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं और फिर आ जाते हैं, स्टे, और पास आने पर उसको ट्रीट मिल रहा है अभी स्टार्टिंग में, गुड बॉय, शाबाश। थोड़ा थोड़ा दूर जाना स्टार्ट करेंगे, जगह चेंज कर करके कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसके भी, कम हियर बॉय, शाबाश, नो 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 नो, गुड बॉय, कम दिस साइड, चलते चलते स्टे बोलेंगे, स्टॉप, स्टे, सिट, नो बॉय, टर्न, कम 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 हियर, कम हियर, स्टॉप, सिट, रॉनी बॉय। बच्चे अभी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, आप ऐसी जगह चूज़ करें स्टार्टिंग में जहाँ डिस्टर्बेंस कम हो। हम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस में बाद में लाना होता, मैं डायरेक्टली सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इसको यहाँ पे अभी, सिट, गुड बॉय, स्टे, रिलैक्स, स्टे, नो नो, रॉनी, स्टे, वेट, स्टे, वेट, स्टे, स्टे, थोड़ा दूर जाएँ, थोड़ा दूर जाएँ, अब दूर जाने दिया इसने, गुड गुड गुड, स्टे स्टे स्टे, और उसके हिलने से पहले ही वापस आ जाए, जब मूव करें तो नो बोलना है, ठीक है। और जब इस तरीके से आपको परफेक्टली दूर जाने लगेगा डॉग, जाने देगा आपको, तो आपको क्या करना है, स्टे, एक राउंड पीछे लेने की कोशिश करना है उसके पीछे से, स्टे स्टे स्टे, जैसे डॉग ये अभी घूम रहा है ना, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी तो आपको पास से ये चीज़ करनी है, गुड बॉय, सिट, तो सिट, उसकी आदत डालना है कि आप पीछे भी चले जाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिट, स्टे, जैसे इस तरीके से, स्टे, पीठ को यहाँ रोकना है और एक राउंड ले लिए छोटा, गुड बॉय, उसको आदत में लाना है स्टार्टिंग से कि स्टे बोला हमने और पीछे भी जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं, नो बॉय, अभी परफेक्ट नहीं है, सीख रहा है तो इसीलिए बार बार भाग भी रहा है, बट ऐसे ही परफेक्ट हो जाएगा, इसी चीज़ की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, स्टॉप, सिट, जब स्टे समझ जाएगा तो दूसरा जो स्टेप बता रहा हूँ ना मैं, ये गोल घूमना है इसके चारों तरफ, नो स्टे, पहले ऐसे बैठाया, पीठ दिख के वहीं रोकना है, क्योंकि नहीं दिखाएंगे तो ये घूम जाएगा, घूमने नहीं देना है, गुड बॉय। जब इसमें परफेक्ट हो जाएगा बिना ट्रीट दिखाए, स्टे,
नेक्स्ट टाइम मेरा ट्रीट दिखाए अगर घूमने दें आपको, तो साइकिल को और बड़ा कर देना है, धीरे धीरे दूर जाने देना है। तो इसी की प्रैक्टिस करनी है, एक बार ट्राई करते हैं। स्टे 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 स्टे, पहले पास में थे, गुड गुड स्टे, गुड बॉय। उसको पता चले कि अगर मैं बैठा रहता हूँ तो मुझे ट्रीट मिलती है, और जब ये मूव कर जाए हिल जाए तो उसको ट्रीट नहीं देनी है। तो आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका डॉग स्टे परफेक्टली सीख जाएगा। धीरे धीरे आगे वाली वाली जो सीरीज है, आने वाले वीडियोज़ में क्या करेंगे हम कि इसको फॉलो करेंगे, जैसे डिस्ट्रक्शन वाली जगह पे, अभी तो यहाँ पे थोड़ा है, सड़क पे करेंगे जहाँ व्हीकल्स चल रहे हैं और भी जगह। तो जितना जितना सीखते जाए वैसे वैसे आप लेवल बढ़ाते जाएंगे। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो अभी लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर आप पर्सनली हमसे जुड़ के सिखाना चाहते हो अपने डॉग को, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं उन पे हमें व्हाट्सअप कीजिए। हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके व्हाट्सएप पे ही होते हैं। सारी चीज़ें आप घर बैठ के अपने डॉग को सिखा सकते हो। मेक योर डॉग स्मार्ट विद स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग। थैंक यू, बाय।